हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ और छत पे घूमने के लिए आई थी, तो सोचा आपको वो दिखा देती हूँ अपने छत से व्यू कैसा दिखता है। तो गाइस, आज आ रही है अथर्व की बुआ दुबई वापस, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज मैं सुबह सैंडविच खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, तो कुछ वो खाएंगी और कुछ पैक करके ले जाएंगी क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, क्योंकि पहले पहुँच जाएंगी हरिद्वार से जॉलीग्रांट, फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगी दिल्ली के लिए और दिल्ली से फिर बैठेंगी दुबई के लिए। तो बीच में जब भूख लगेगी तो सैंडविच खा लेंगी। तो गाइस, वो रेडी हो रही हैं और फिर टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वो केवल आई थी 15 दिनों के लिए और टाइम कब बीत गया, और हमने इस बीच में काफ़ी मंदिर घूमे, इंजॉय किया। तो यहाँ पे अथर्व सोया हुआ था, मैं उसे उठा रही थी, उठ जा बेटा बुआ जाने वाली है, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में था। तो हम जल्दी से अथर्व की बुआ को सी ऑफ कर देंगे, उनका नाम वैसे तो रानी है। तो फिर यहाँ पे मम्मी जी भी काफ़ी मतलब अपसेट थी, होता ही है, काफ़ी लंबे के समय के बाद आई थी और जल्दी से जा रही हैं, तो फिर अब वो जाने के लिए रेडी हैं। तो फिर जल्दी से जब भी आएंगी तो मैं उनको अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम इस बीच बहुत घूमे, तो आपने हमारे ब्लॉग को देखा होगा। तो गाइस, अब टाइम आ चुका है सी ऑफ करने का गाइस। तो गाइस, बहुत अच्छा समय हमारा बीता, जितना भी बीता। फिर तो आज हम जाने वाले हैं करीब परवेश की पूजा में, वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरा देखना, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, मैं रेडी हूँ गिफ्ट और बैग के साथ। तो आज मैं जाने वाली हूँ गृह प्रवेश की पूजा में, तो ब्लॉग को पूरा देखना, आपको आज का ब्लॉग बहुत मजा आएगा। अथर्व, हाय, हाउ आर यू? आई एम वाइटिंग यू। मैं देख रही हूँ। अच्छा, बोल रेडी हो गया हूँ। बोल, मैं रेडी हो गया हूँ। अथर्व ने बोला मुझे चॉकलेट खानी है, तो अथर्व की बुआ लाई थी ये बॉक्स जिसमें से आधी हमने खा ली है। तो मैंने 2 चॉकलेट निकाली अथर्व के लिए और मेरे लिए, हम दोनों अब चॉकलेट खाएंगे। गाइस, ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये बैग भी मुझे रिसीव हुआ है न्यूज़ीलैंड से, जो कि मेरी दीदी रहती है न्यूज़ीलैंड में, तो उन्होंने ये पर्स मुझे गिफ्ट में दिया था गाइस। तो मुझे दुबई से और न्यूज़ीलैंड से सामान मिलता रहता है गाइस, जब भी वो आते हैं। तो फिर गाइस, हम सब रेडी हो चुके हैं, अथर्व भी अपने जो जूते हैं वो पहन रहा है गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं अपने जानने वालों की गृह प्रवेश की पूजा में गाइस। तो मम्मी जी, मैं, उनकी फ्रेंड है, हम सब गाड़ी में निकल जाएंगे। और दिखा देती हूँ रास्ते का सफ़र गाइस। तो यहाँ से लगभग आधा घंटा दूर है उनका घर जहाँ हम जा रहे हैं गाइस। हम पहुंच चुके हैं गृह प्रवेश की पूजा में गाइस। तो यहाँ पे सब पूजा कर रहे थे, एक एक करके आरती हुई गृह प्रवेश की। तो देख सकते हैं ये उनका बाहर का ड्राइंग रूम है गाइस। तो यहाँ पे सब मिलके आरती करेंगे, जो भी होगा पूजा पाठ कर। आरती की थाली को पूरे घर में घुमाना अच्छा माना जाता है, तो यही ही हो रहा है अभी।
जो भाभी हैं वो पूरे घर में आरती की थाली को घुमा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक घर बना दिया है गाइस, क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में घर बनाना कितना मुश्किल हो गया है क्योंकि ज़मीनें इतनी रेट इतना हाई हो गया कि हर किसी का सपना ये सपना ही रह जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, जिसका भी ये सपना हो घर बनाने का जल्दी से पूरा हो जाए और सबका एक अपना अपना घर हो गाइस। खाने का अरेंजमेंट भी था तो सब खाना खाने लग गए थे तो हम भी गए, हमने भी खाना खाया। तो खाने में था सलाद, था राइस, थे मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, तो ये सब हमने वहाँ पे खाना खाया गाइस। तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, हमने खूब इंजॉय किया। तो फिर उसके बाद अथर्व और मैं निकल जाएंगे घर के लिए और मम्मी जी बाद में आएंगी क्योंकि इसके बाद कीर्तन होना था और बच्चे इतनी देर कीर्तन में नहीं रुकते हैं। तो मैं निकल पड़ी थी घर को। तो ये आज का छोटा सा ब्लॉग है, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, जो कि मैं अपने हर एक ब्लॉग में कहती हूँ गाइस। तो फिर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो जल्दी से मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ और आपके लिए ऐसे नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जल्दी मिलूँगी नए ब्लॉग के।